हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कुछ एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूँ, तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में बनाते हैं। ठीक है, 12, 15 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, एलसीएम से आधारित क्वेश्चन है तो एलसीएम निकाल लिए। अब देखना है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, 5 बचे, कुछ इस तरह से रहता है, तो जो वो संख्या निकालना है, अभीष्ट संख्या, वो एलसीएम में जुड़ जाता है। बस इतना ही होता है, यहाँ 4 हम जोड़ देंगे, 184, यही आंसर हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर शेष कर्मशः 2, 3, 4, 5, 6 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ भी 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये आएगा 840। इसके बाद क्या करना होता है, जब इस तरह से शेष बचता हो, 4 और 2 देखिए, फिर 5 और 3 देखिए, 6 और 4 देखिए, 7 और 5 देखिए, और 8 और 6, सब में कितना कॉमन है, यानी कि 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये संख्या और इसका अंतर जो समान रहेगा वो निकाल लीजिएगा, और वह सबसे छोटी संख्या अब क्या होगा, अभी संख्या जो हमको निकालना है वो होगा 840 में से, ये जो समान अंतर आता है उसी को हम घटा देते हैं, ये 838 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 जोड़ने पर परिणाम 12, 15, 18 एवं 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 12, 15, 18 और 24 का जो है एलसीएम कितना आएगा, ये जो एलसीएम आएगा 360 आएगा। तो ठीक है, ध्यान देना है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 जोड़ने पे, या फिर क्वेश्चन रहता है घटाने पे, तो जस्ट उल्टा रखेंगे, जब जोड़ना होगा तो घटा देंगे, 4 जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, 356, यही आंसर हो जाएगा जो निकालना है हमको, अभी संख्या जो निकालना है ये हो जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ा जाए या घटाया जाए, जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो घटा के लिखेंगे, और घटाने के लिए कहा जाता है तो जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो क्वेश्चन तो वही है, यहाँ पे एलसीएम 360 होगा, लेकिन ध्यान देना है, जब इसको हम एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 × 2 × 2 और 3 × 3 5 के रूप में आता है, इसको आप निकाल के देखिएगा। तो कह रहा है इस वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 और 24 से पूर्णतः भाग लग जाता है, तो ये तो 360 है, लेकिन यहाँ देखिए पेयर चेक करते हैं, ये 2 का पेयर है, यहाँ पे 3 का भी पेयर है, और 2 और 5 का पेयर नहीं है। ठीक है, ये पेयर नहीं 2 और 5 का है, तो 2 और 5 को और गुना कर देते हैं ये टोटल संख्या में, तो वो संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है, यानी 5 × 2 = 10 से गुना करना पड़ेगा 360 को, तो वो जो संख्या बनेगा वो कितना हो जाएगा, 3600 जो हो रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये चारों से कटेगा, 12, 15, 18 एवं 24 से पूर्णतः विभाज होगा, ये चौथा टाइप। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। ठीक है, तो यहाँ भी एलसीएम लिखते हैं डायरेक्ट, एलसीएम ये आएगा 360। ठीक है, अब क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता, इतना होता है, इसको आप 360 से भागा दीजिए। चलिए इसको मैंने करके नहीं रखा है, यहीं पर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 720 दो बार में लगेगा, यहाँ 9, ये 9 में टू गया 7 और 9, ठीक है, और यहाँ 9 में से बन गया 2 और ये 9। अब देखिए कितना बार में लगाना होगा, चेक कर लीजिए थोड़ा, इसको हम पेन से सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, 7 × 42 2520, ये 7 बार में लगा लेते हैं, तो 2799 में 2520 लगाते हैं,
हाँ यहाँ पे 2520 लगाते हैं तो शेष बच जाता है 279। अब ध्यान देना है कि ये 279 यदि नहीं होता 999 में, 999 में तो ये पूरा पूरी कटता 360 से, तो हमको अब क्या करना होगा 999 में 279 घटा देना होगा। 279 घटाना है, 9 में से 9 गया 0, 2 यहाँ ये 9 में से 2 गया 7, ये 9720 सॉरी लिखा नहीं रहा, ठीक है 9720 आ गया ये। अब ध्यान देना है 360 से 9720 कट गया, यानी कि 8 12 15 18 से भी 9720 कटेगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहना चाहिए। तो हमको जो निकालना है अभी संख्या वो क्या होगा, अभी संख्या जो निकालना है 4 जोड़कर लिखेंगे, ठीक है 9720 प्लस 4 9724, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक और इम्पोर्टेंट टाइप है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, ये देखते हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। जब हम उस संख्या को 12 से भाग देते हैं, 15 से भाग देते हैं, 18 से भाग देते हैं तो 3 शेष प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या को जब हम 11 से भाग देते हैं तो उससे पूर्णता विभाज होता है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 12 15 18 का एलसीएम 180। अब ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, जो एलसीएम आएगा उसमें x का गुणज लिख लेंगे और जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे, यही होगा भी संख्या, ठीक है 180 प्लस x प्लस 3। यहाँ x का मान निकालना है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो संख्या बन रहा है 11 से पूर्णता विभाज्य है, तो करते क्या है एलसीएम को जिससे पूर्णता विभाज्य है उससे निकाल भाग लगाते हैं, लगाइए कितना होता है 11 से 66 4। ये जो शेष बचता है अब इसको स्मॉलेस्ट रूप में बदल लिए, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए 4x प्लस 3 ये जो शेष आएगा, ठीक है अब हम x का ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये जो टोटल इक्वेशन है 11 से कट जाए, तो देखते हैं 1 रख के, तो 4 और 3 7 2 रखते हैं, 4 2 8 3 11, तो 11 सभी कट रहा है, तब यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 2। अब इसी x के वैल्यू को 180 प्लस x प्लस 3 में हम पुट कर देंगे, ठीक है तो 180 x प्लस इतना में पुट करते हैं तो कितना होगा 180 दूनी 360 360 यहाँ से प्लस 3 363, ठीक है 363 हो जाएगा, और 363 जब हो गया तो यही आंसर होगा। अब देखिए 12 से भाग दीजिए 360 आएगा, 3 से बचेगा ना, 15 से भाग दीजिए 360 15 से कटेगा, 3 से बचेगा, 18 से भी 18 दूनी 36 360 3 से बचेगा। अब 11 से चेक कर लीजिए 11 33 33, 3 बचेगा फिर 3 से डिवाइड करेंगे और 33 रहेगा, तो 11 33 33, ठीक है प्रूफ भी हो गया। तो इस तरह से आप बनाइए, और भी एलसीएम पे क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लाते हैं, धन्यवाद।